अरे भाई ये तो बच्ची है रे। ये वो जानती है बच्ची है, पर हम नहीं जानते हैं। बेटी क्या हुआ वेदा भाई? मुझे लगा मेरी बेटी बुला रही है। हाँ, तुम अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते हो, तुम्हें तो हमेशा उसकी याद आती ही रहती है। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। वैसे भी तुम सुबह छूटने ही वाले हो, अब तुम आराम से सो जाओ। भाभी भाभी तुम कहाँ हो? भाभी बाहर आओ। भाभी कौन है? भाभी देखो क्या हो गया। भाभी देखो ना, भाभी कनक को क्या हो गया? कनक क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? भाभी उन चारों ने बर्बाद कर दिया। ये देखो भाभी। Dad, ये सब क्या कह रहे हो तुम? तुम कहाँ चले गए थे? उठो, उठो बेटी, उठो बेटी। कौन थे वो लोग? बोलो, वो लोग जो भी थे, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम बस एक बार उनका नाम बता ले। उठ बेटा, उठ, उठ जा। तुम बस उनका नाम बता, मैं तेरे साथ हूँ। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरे साथ आ जा। भाभी, भाभी मत जाओ भाभी। पुष्पा ये तेरी बेटी है क्या? अरे वाह, इसे टाइम कहते हैं। उस दिन तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी ना? अभी तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी, अब तेरी लूटेंगे। आ जा। ए, हराम के पिल्लो, तुम लोगों के अंदर से तुम्हारी माँ का दूध उगलवाऊंगी और बोटी बोटी करके तुमको पिलाऊंगी। बस थोड़ा सब्र कर बेटा, मैं इन हरामियों को खत्म करके इनकी बोटी बोटी करती हूँ। भाग कहाँ रहे हो? इसे हाथ मेरी बेटी को छुआ ना। कहाँ जाऊंगी मैं? छोड़ूंगी नहीं। क्या तूने मेरी बेटी को छुआ? नहीं, नहीं पुष्पा, पुष्पा मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे पुष्पा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तुम जैसे पापियों को अगर छोड़ दिया तो बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हा? और मेरे जैसी माँ का दिल तड़पेगा। तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम लोगों की सांसें भी लड़कियों तक नहीं जानी चाहिए। तुम लोगों के खून से मैं अपनी बेटी को नहलाऊंगी। रे ये क्या कर दिया? इसको मार दिया। ए वीरा, निजब्बा, गिरी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके और इसकी माँ को भी हमने खत्म कर दिया। अब क्या होगा? ये क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा यार? ए वीरा, ये बच्ची अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है। ए पुष्पा, ए पुष्पा, चुप। किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसे हमने मारा है। ए वीरा, यकीन नहीं होता तूने अपनी ही भांजी का कत्ल कर दिया। साहब जी, साहब जी,
आप मुझे बचा लो साहब जी, देखो मना मत करना साहब जी। साहब जी एक और गलती हो गई हम लोगों से। हम तुम्हें पैसे भी ज्यादा देंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने। पैसे भी ज्यादा देंगे ना? कैसा क्या, तो जल्दी ही ये केस खत्म करता हूँ। खेत से बाहर आई तो देखा कि अरे राक्षस कड़ी के, मैं नहीं मिली तो बच्ची के साथ। ए! वेदा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, जाओ उसे लेकर आओ। तुम्हारे साथ रहकर धोखा दिया इस धोखेबाज ने, परी जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तब तब ये रोकता रहा। इसने इसे मारने की कोशिश की पर ये कामयाब नहीं हुआ। तुम दोनों जिंदा रहो, परी के जरिए सच्चाई जाहिर हो जाती। इसने तुम्हारे बारे में बीरा को पहले से बता दिया ताकि वो तुम्हें मार सके। चल अब जल्दी बोल। उस दिन मैंने इन दोनों को देखा तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इंसानियत फर्ज से बड़ी होती है। 8 साल की कनक ने अपनी माँ को तड़प कर मरते देखा, फिर अपने बाप से बिछड़ गई और बिना जुर्म के सजा भी भुगती। उसका पूरा बचपन जेल में बीता। वो डरी नहीं बल्कि छूटने के बाद उसने किसी को भी नहीं बख्शा। मेरी बेटी के साथ तुमने जो किया तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे।